यदि सूर्य गैस का गोला है तो अंतरिक्ष में बिखरता क्यों नहीं? गैस तो अंतरिक्ष में फैल जाती है, नजर नहीं आती है, तो फिर सूर्य गैस की तरह क्यों नहीं उड़ जाती है? सूर्य अभी तक अस्तित्व में क्यों है? तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। उससे पहले चलिए सूर्य के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सूर्य जो कि एक तारा है, हमारे सोलर सिस्टम का एक मुखिया है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 14,96,00,000 दूर है, जिसका इक्वेटोरियल रेडियस 6,95,700 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। वजन के मामले में सूर्य पृथ्वी से लगभग 3,33,000 गुना भारी है, जिसे पृथ्वी जैसे 13 लाख प्लैनेट्स फिट हो सकते हैं। सूर्य सोलर सिस्टम का इतना बड़ा स्टार है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोलर सिस्टम का 99.86% मास सिर्फ अकेला सूर्य के पास है, जबकि इतना बड़ा बड़ा प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आदि प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में स्थित है। सूर्य की सतह का तापमान, यानी जहां पर कोरोना मौजूद है, वहां का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, और एक अनुमान के मुताबिक सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 17 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इसके सेंटर में तापमान 1,70,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जहां इतने अधिक तापमान हो, वहां पर क्या कोई भी चीज अपने स्वरूप में रह सकता है? बिल्कुल नहीं। इतने अधिक तापमान पर किसी भी चीज का, यहां तक कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अत्यंत छोटे कणों का यहां पर अपने स्वरूप में रहना असंभव है। यहां तक कि यहां पर परमाणु भी अपने स्वरूप में नहीं रह सकता है। सूर्य में मुख्यतः 73.46% हाइड्रोजन गैस और 24.85% हीलियम गैस है, बाकी बचे 2% में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियोन, सल्फर आदि सूरज में स्थित है। सूरज इतना गर्म है कि यहाँ अधिकांश गैस प्लाज्मा की अवस्था में है, जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। यदि आप नहीं जानते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ठोस, द्रव्य और गैस पदार्थ की पहली, दूसरी और तीसरी अवस्था होती है, तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। जैसे ठोस को गर्म करने से द्रव्य बनता है और द्रव्य को हीट देने से वह गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही गैस को अधिक टेम्परेचर पर हीट देने से वह प्लाज्मा में बदल जाता है। आपके और हमारे घर में जो एलईडी बल्ब और रंग बिरंगी जो ट्यूबलाइट होते हैं, उसे प्लाज्मा ही भरा जाता है। आकाशीय बिजली हो या इलेक्ट्रिसिटी करेंट, वो प्लाज्मा का ही रूप होता है। सूर्य के केंद्र में टेम्परेचर इतनी अधिक है कि सारे गैस प्लाज्मा की अवस्था में है, और इस प्लाज्मा में आकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के दो अणु जब आपस में संलयित होते हैं, तो उसे हीलियम गैस बनता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को स्टेलर न्यूक्लियर सिंथेसिस कहा जाता है। इसी प्रक्रिया के कारण सूर्य आग के गोले की तरह दिखाई देता है। सूर्य के कोर में एवरी सेकेंड 620 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का संलयन होता है। चूंकि सन में इतनी मात्रा में नाभिकीय संलयन होता है कि इसका सतह कभी भी स्थिर नहीं रहता है, यह हमेशा फैलती और सिकुड़ती रहती है। जैसे सन में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, किसकी परत थोड़ा बाहर आ जाता है, बट उसी वक्त प्लाज्मा की ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा इसे अंदर में खींच ली जाती है। अब प्रश्न उठाते हैं कि यदि सूर्य गैस का गोला है तो अंतरिक्ष में क्यों नहीं उड़ जाता? तो इसका मेन रीजन यह है कि सूर्य के अंदर यानी प्लाज्मा में इतनी आकर्षण शक्ति होती है कि सारे गैसों को अंदर की तरफ खींच कर रखता है और अपने गुरुत्वाकर्षण में बांधे रखता है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस संलयन के समय बाहर जाने की कोशिश तो करता है, मगर सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स इसे बाहर जाने नहीं देता है। आप ये तो जानते ही होंगे कि सूर्य की ग्रेविटी के कारण सोलर सिस्टम के सारे ग्रह इन्हें परिक्रमा करते हैं। अब आप यहाँ समझ ही सकते हैं कि जब सूर्य की ग्रेविटी की वजह से इतना बड़ा बड़ा और इतनी दूर दूर में स्थित प्लेनेट से सूर्य के ग्रेविटी से बाहर नहीं जा सकता है, तो उसमें स्थित कोई भी पदार्थ या गैस कैसे बाहर जा सकता है? यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि यदि सूर्य जलती हुई गैसों का गोला है, तो उसमें स्थित सारे गैस जलकर खत्म क्यों नहीं होती? और ये सवाल आपके माइंड में भी आया होगा। तो सुनिए, पूरी कायनात में जो जन्म लेती है उसका अंत भी एक न एक दिन होता ही है। सूर्य का भी जन्म हुआ है और उसका भी अंत होगा, लेकिन अभी नहीं। वर्तमान में सूर्य का उम्र लगभग 4.5 अरब साल है और सूर्य 4.5 अरब साल से ऐसे ही जल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक सूर्य के अंदर अभी भी इतनी मात्रा में गैस मौजूद है कि 5 अरब साल तक ऐसे ही जलता रहेगा। यानी सूर्य के पास अभी भी
5 अरब साल का उम्र बचा हुआ है। इसके बाद जैसे ही इसमें से सारे हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हमारे सूर्य आज की तुलना में और भी ज्यादा बड़ा रेड जायंट स्टार बन जाएगा। फिर उसके अगले कुछ 1 अरब साल में सूर्य एक सफेद बौना तारा बन जाएगा, और उस समय में सोलर सिस्टम में ना तो कोई प्लैनेट रहेगा और ना तो कोई एस्टेरॉयड। इन सारे ग्रहों को सूर्य निकल चुका होगा और खुद सूर्य भी अपना अस्तित्व खो देगा। सुप्रियंस, ये थे सन के बारे में कुछ रियल और अद्भुत फैक्ट्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ हमेशा नॉलेज से जुड़ी वीडियो मिलता रहता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे। टेक केयर। बाय बाय।